सामने भी आपको दिख रहा होंगे काफी सुंदर बर्फीले पहाड़ ऊपर मंदिर से काफी अच्छा दिखता है, दृश्य दिखता है एकदम सेक्सी। तो आपको ऊपर मंदिर से दिखाएंगे काफी अच्छे अच्छे नजारे। तो पहुंच गए हम मंदिर की तरफ, ये तो एक कैसल सा लगता है। तो कुछ इस तरह का रास्ता है यहाँ, तो सुरकंडा मंदिर में तो इससे भी त्रिपल का है, काफी ऊंचाई पे है वो भी, तो दो ढाई घंटे का ट्रैक होता है वो भी। तो मंदिर के सामने एक कूड़ादान भी बनाया हुआ है, तो कचरा सभी ने इसमें डाल रखा है। तो यहाँ गंदगी काफी कम है, तो ज्यादा गंदगी नहीं है यहाँ, काफी अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं यहाँ। और यहाँ पे है जूते गाने की जगह, तो यहाँ पे जूते वगैरह निकालते हैं, मंदिर की तरफ जूते वगैरह हमने निकाल लिए, तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। तो हाथ वगैरह भी धोते हैं फटाफट। तो मंदिर के नीचे भी थोड़ी दो चार शॉप है, तो यहाँ भी प्रसाद वगैरह मिलता है। और यहाँ से है मंदिर जाने का मेन रास्ता, तो काफी खड़ी चलाई है यहाँ पे। और सामने पे है मंदिर, ये है मंदिर, और सामने से है मेन द्वार मंदिर में जाने के लिए, और पीछे से है मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता। तो आज है दिवाली, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे लगी हुई है काफी सारी घंटियाँ, तो लोग नहाते हैं यहाँ श्रद्धा भाव से। तो मंदिर तो आए पर मंदिर बंद हो चुका है, तो मंदिर पता नहीं कितने बजे खुलता है। तो भाजी सब ने दर्शन कर लिए, तो इस ब्लॉग में मैं आपको माता के दर्शन नहीं करा पाऊंगा, तो अगली बार आऊंगा तो जरूर आपको दर्शन कराऊंगा मंदिर के। तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है, और यहाँ से कहते हैं कि सुरकंडा मंदिर बद्रीनाथ और केदारनाथ की पर्वत की चोटियाँ भी दिखती है। तो मुझे प्रॉपर पता है नहीं कि कौन बद्रीनाथ की चोटियाँ कौन केदारनाथ की, तो जैसे मुझे दिख रहा है वैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो अनादि से कहता हूँ मैं सामने की आ रहे हैं उस पे जूम करे, आगे देखिए। तो मंदिर से जुड़ी हुई मैं आपको एक रहस्यमय बात बताता हूँ, तो आपका एक मिनट लूंगा, तो आगे देखिए। तो ये माता सती से जुड़ी हुई है। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने माता सती और भगवान के अलावा सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, और सभी देवी देवताओं को वहां जाते हुए देख माता सती भी भावुक हो गई, और उनके मन में भी वहां जाने की प्रेरणा जाग उठी। तो माता सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की बात कही, तो भगवान ने यह कहकर मना कर दिया कि बिना आमंत्रित के वहां जाना उचित नहीं है, पर फिर भी माता सती भगवान के मना करने पर भी वहां चली गई। वहां उनकी माता के अलावा उनका आदर सत्कार किसी ने नहीं किया, तो वहां सभी देवी देवताओं का स्थान था, वन और माता सती का स्थान नहीं था। अपना और भगवान का स्थान न होने के कारण पूछा तो प्रजापति दक्ष ने उनका और भगवान का काफी अपमान किया, और माता सती भगवान शिव का अपमान नहीं सह पाई और यज्ञ कुंड में कूद गई। जैसे ही महादेव को माता सती के बारे में पता चला, तो उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया और वहां जाकर राजा दक्ष का सिर अलग कर दिया, माता का जला हुआ सर अपने त्रिशूल पर रखकर सारे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तो सृष्टि का कल्याण करने के लिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान शिव को शांत करने का आग्रह करने लगे। तो अभी विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जले हुए शरीर को एकाग्र भाग में विभाजित कर दिया। तो कहते हैं कि यहाँ माता सती का शरीर वाला भाग पड़ा, तो इसीलिए इस मंदिर का नाम चंद्रबंदी पड़ा। यहाँ पे फोटो वगैरह खींची जा रही है, और जो मंदिर में नारियल वगैरह चढ़ते हैं तो यहीं पे फोड़े जाते हैं। तो मंदिर तो पता नहीं कितने बजे खुलेगा, तो थोड़ी देर में खुल जाएगा तो ठीक है, आपको भी दर्शन करा दूंगा, थोड़ा वेट करके खुल जाए मंदिर तो ठीक, नहीं तो चलेंगे यहाँ से वापस। वो यहाँ मंदिर में पुजारी आँख में पट्टी बांध कर माता की पूजा करता है, तो प्रसाद भी ला रखे, तो प्रसाद भी लगाना हमें,
तो देखते हैं वेट करके कितने बजे तक खुल पाता है मंदिर। तो आज मंदिर में ज़्यादा भीड़ है नहीं, तो दिवाली है तो कम ही लोग आए हुए हैं यहाँ। गाड़ियाँ तो नीचे काफ़ी सारी आ रखी है, ऊपर काफ़ी कम लोग हैं। तो अभी हम वापस जाने लगे, मंदिर पता नहीं कितनी देर में खुलता है, तो थोड़ा भी देर हमने वेट कर लिया, पर अभी तक मंदिर खुला है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो जितना मेरे को पता था उतना मैंने आपको बता दिया। तो जूते वगैरह पहन के हम निकल चुके हैं वापस घर की तरफ। तो नीचे जाने के लिए हम ले रहे हैं शॉर्टकट, तो आपको सीधे मिलते हैं नीचे। तो मेन रोड तक हम पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा खाते पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बोर्ड नागेश्वर, कुछ इस तरह है मंदिर, और तो सामने पे बाबा की कुटिया। तो ये मंदिर देवराज से हिंडोला खाल के बीच में, तो जब यहाँ पे रोड की कटाई हो रही थी, रोड की कटाई में ये मंदिर मिला था, तो इसीलिए तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। जगह जगह पे देवी देवताओं का वास है उत्तराखंड में। तो हमें देर भी हो रही है घर के लिए, तो फटाफट निकलते हैं घर की तरफ। मैं यहाँ से बाजार में हेलमेट लगाया चल रहा है, तो क्योंकि इसमें सर में थोड़ी चोट लगी हुई है। कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई आज मिलने के लिए जा रहे हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ वापस घर, तो थोड़ा बहुत आराम कर ले अभी। अब तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, तो थोड़ा घूमने के लिए। अभी आ चुका हूँ वापस घर, तो आरती वगैरह हो चुकी है और बाहर पे आया हुआ है पानी, तो इसको मैंने एक बिस्किट दे दिया है। तो बाहर काफी ज्यादा पटाखे फूटने में लगे हैं और जॉली काफी डरा हुआ है, तो दो तीन दिन से तो पटाखे फूटने में लगे हैं। रूम से भी बाहर नहीं जा रहा है, तो सुबह से शाम तक वो रूम में ही पड़ा हुआ है लगे। तो ऐसे ही काफी सारे डॉग डरते हैं पटाखों से, घर वाले डॉग का कैसा हाल है तो बाहर वाले डॉग का कैसा हाल होगा। तो खाना खाने का टाइम भी हो चुका है, तो पहले मैं आलू भूजी हूँ खाना, तो उनके लिए मैं रखा हुआ है दूध रोटी और बिस्किट। तो मैंने उन तीनों को भी खाना खिला दिया, तो अभी मेरे को गरारे वगैरह करने, तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। तो आज काफी मेहनत लगी इस ब्लॉग को बनाने में, तो गला भी खराब है और बोला भी नहीं जा रहा है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें। इतना हुआ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।